अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं शफ़ताफ। आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा। बहुत यूनिक स्टाइल में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बिना हम बनाते हैं लौकी का हलवा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। यहां पे मेरे पास है लौकी 1 kg। तो इसको हमने अभी काट के छील टुकड़े को काट देना है। छिलका बेहतरीन करके उतारें। तो अब इसको कद्दूकस करना है। उसके लिए चाहिए पानी। पानी के अंदर डालेंगे हम कद्दूकस को। लौकी सीधी जाएगी हमारी पानी में। चलो हमारी जो लौकी है निकल गई है। इसको पानी में डालने का मकसद ये है कि ये काली नहीं होती, वरना आप बगैर पानी के निकालेंगे तो काली हो जाएगी। तो अब इसको फौरन निकालना है। पानी को निचोड़ लें अच्छे तरीके से। अब इसमें जाएगा 1/2 लीटर दूध। ज़्यादा क्वांटिटी में दूध कम होता जाएगा। ये कम है तो हम थोड़ा सा और अच्छा करके बना रहे हैं इसको। चूल्हा ऑन कर देना है और इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके ढक्कन ढक देना है जब तक बॉयल नहीं आता। इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक अभी हमारा जो दूध है ख़त्म ना हो जाए इसमें। तो इसको अभी जो है इसका ढक्कन लगा के इसको पकने देंगे और ये लगेगा नहीं, तो जब तक हमारा दूध बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाएगा तो हम इसको ऐसे ही पकने देंगे। दूध जब हमारा आधा ख़त्म हो जाए 2 अदद इलायची डाल देनी है तोड़ फोड़ के। फिर इसको करेंगे मिक्स अच्छे तरीके से। साथ में ही शामिल करेंगे हम यहाँ पे ग्रीन कलर। ग्रीन कलर सिर्फ़ और सिर्फ हम इसका कलर चेंज करने के लिए डाल रहे हैं ताकि थोड़ा सा ये ग्रीन हो जाए। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और मज़ीद और पकाते जाएंगे थोड़ी देर। दूध हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है, थोड़ा थोड़ा बचा है। तो यहाँ पे आके शामिल करेंगे हम यहाँ पे किशमिश। तकरीबन ये 4 से 5 दाने डाल दें आप इसमें। मज़ीद थोड़ा सा दूध है इसमें, हम इसको और खुश करेंगे। दूध हमारा जो है खुश्क हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हम चीनी। चीनी जाएगी इसमें 200 ग्राम और ये दोबारा फिर पानी छोड़ेगी और फिर हम इसको खुश करेंगे। चीनी का पानी भी खुश्क हो गया, ये देखें। अब इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पे घी। ऑयल नहीं जाएगा इसमें, घी जाएगा तकरीबन 70 से 80 ग्राम। अच्छे से हमने इसकी करनी है भुनाई। अच्छे से भुनाई करने के बाद, भुनाई जब हो जाएगी तो आपका ऑयल साइडों पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो अभी चूल्हा करेंगे ऑफ। चूल्हा ऑफ करते ही साथ में आपने डाल देना है गरम में खोया। खोया आप इसको डाल के पकाना नहीं, आपने खोए को बस जस्ट मिलाना है गरम के बाद। और खोए की क्वांटिटी जो थी हमारे पास 120 ग्राम। माशाल्लाह ज़बरदस्त हलवा तैयार है। अब इसको हम करेंगे डिश आउट। अब इसके ऊपर गार्निश कर देंगे काजू, बादाम कटे हुए। माशाल्लाह हमारा लौकी हलवा कितना ज़बरदस्त बना है, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। आज की हमारी रेसिपी हो गई कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।